हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पून के बारे में। मेरे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि ये जो स्पून के ऊपर कलर लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, ये कलर लगाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और ये कलर क्यों लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपके सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं फिशिंग के रिलेटेड टिप्स और टेक्निक भरे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों ये स्पून के ऊपर कलर हमें क्यों लगाना चाहिए। तो जब भी हम मरल फिशिंग करते हैं फ्रॉग से, इस तरह का कोई फ्रॉग से, तो फ्रॉग पानी के ऊपर चलता है और ऊपर चलने की वजह से जो मरल होती है उसे कोई कलर दिखाई नहीं देता, क्योंकि पानी के ऊपर चलता है। और ये जो स्पून है वो अंडरग्राउंड चलता है पानी के नीचे से। पानी के नीचे चलने वाली हर चीज़ मछली को साफ साफ दिखाई देती है और इसके वजह से हमें ये कलर लगाना होता है, जिसे मैं हमेशा रेडियम यूज़ करता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों का सवाल था कि ये कलर कैसे लगाते हैं और वो क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, ये है रेडियम पट्टी। इसकी चमक ज़्यादा होने की वजह से ये यूज़ करना अच्छा रहता है। तो ये अंडरग्राउंड चलता है तो मछली को इसकी चमक दिखाई देती है। अगर हमने इसके ऊपर कोई कलर पट्टी लगा दी तो वो चम्मच और भी अट्रैक्टिव हो जाती है, दूर से भी मछली को वो दिख जाती है। ये जब पानी में चलती है तो घायल मछली की एक्शन में चलती है और उसके ऊपर रेडियम पट्टी लगी हो तो वो और भी अट्रैक्टिव लगती है। इसके लिए हमें ये रेडियम पट्टी उसके ऊपर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसे लगाते कैसे है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं हमेशा येलो पट्टी यूज़ करता हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे स्पून पे येलो पट्टी था और उसके ऊपर हमें काफ़ी अटैक भी मिलते थे। तो दोस्तों, ये कलर लगाने से हमें मछली का अटैक मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप जब भी स्पून फिशिंग करो तो उसके ऊपर ये रेडियम पट्टी लगाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम उसके ऊपर रेडियम लगा के देखते हैं। तो ये हमने रेडियम पट्टी काट ली है और स्पून के ऊपर लगाना कैसे है वो अब देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरे चम्मच पे नहीं लगाना है। आप चाहो तो इससे भी पतली लाइन काट के आप चिपका सकते हो, क्योंकि चम्मच की चमक और रेडियम दोनों अच्छी तरह से मछली को दिखनी चाहिए।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने स्पून के ऊपर रेडियम पट्टी लगा दी है। अब आप देख सकते हो कि वो कितनी अट्रैक्टिव दिखती है। जब भी ये पानी में चलेगी तो इस तरह से चलेगी घूमते हुए। तो उसे जो शिकारी मछली होती है, जैसे कि मरल, कैटफिश, मसीर, ऐसी मछली उसे देखते ही उसके ऊपर हमला कर देती है। और ये रेडियम लगाने से मछली का अटैक मिलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए दोस्तों, आप जब भी स्पून चलाएं तो इसके ऊपर ऐसा रेडियम पट्टी या अपने हिसाब से कोई भी कलर लगा सकते हो। मैंने लाल कलर और पीला कलर लगाया है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर लगा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ बात बतानी छूट गई हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।